मैं वापस से आ चुका हूँ एक और नई गेम प्ले सीरीज लेके जो है ऑफ एसवर्ट 9। तो मैंने पहले थोड़ी बहुत खेली थी, लेवल 3 तक पहुँच गया, अच्छी खासी गाड़ी अनलॉक कर दी, 3 इवेंट्स पूरे कर दिए और चौथा इवेंट भी पूरा हो जाएगा। 2-4 रेस तो क्या बहुत कम है, तो 6-7 रेसेस और करनी है। तो अभी हम स्टार्ट कर देते रेस बिना टाइम वेस्ट करें। तो अभी देखो, मैं तुम्हारे भाई ने इतने सारे ब्लूप्रिंट इकट्ठा कर लिए हैं गाड़ियों के, और ये गाइस गाड़ी ये वाली तो अनलॉक होने वाली है बहुत जल्द। तो अभी मैं इसे अपग्रेड करके देखता हूँ, अपग्रेड में मेरे को क्या मिलेगा। मेरे को सबसे पहले इसका नाइट्रो नहीं, हैंडलिंग अपग्रेड करनी, नहीं मुझे इसकी एक्सीलरेशन अपग्रेड करनी है गाइस, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा काम आती है ये और नाइट्रो। अब हैंडलिंग अपग्रेड करेंगे गाइस, हैंडलिंग के लिए मतलब गाड़ी की हैंडलिंग नहीं, बंदे की हैंडलिंग सही होती है सबसे ज़्यादा। तो अभी देख रहा हूँ हमारी रिकमेंडेशन सेट टॉप में बॉटम लेफ्ट में आ रही है, विन द रेस और शॉक वेव्स। जिसे नहीं पता होगा मैं बता दूँ, जब आपका नाइट्रो का बार फुल हो जाता है ना, तो आप दबाते हो ना, तो एकदम मस्त मतलब एकदम मस्त कलर्स और नाइट्रो लगता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो अभी हम सबसे पहले तो चलाते हैं, तो सबसे पहले तो मैं बूस्ट मार देता हूँ जिससे मैं आगे निकल जाऊँ। और अभी तो मैं फुल मतलब बूस्ट के बटन पर हाथ रख के चला रहा हूँ, जिससे मतलब थोड़ा सा भी बूस्ट है ना तो मैं जीत जाऊँ। अब देखो, अब हम शॉक वेव एक्टिवेट करने वाले हैं, और ये तुम्हारे भाई ने शॉक वेव एक्टिवेट कर दिया और तुम्हारा भाई सबसे आगे निकल चुका है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये गाइस ये हाँ, तो ये मतलब जैसे आप लोग जानते हो कि ये बाकी एसवर्ड गेम जैसा नहीं है, इसमें आपको स्लाइड करके डायरेक्शन चूज करनी होती है, वो आपसे गेम पूछता है कि कौन सी डायरेक्शन चलानी है। तो अब देखो एक रेस हो चुकी है, और ये तो एक बस छोटी सी वीडियो बनेगी, बहुत छोटी सी मतलब 2-3 मिनट की वीडियो, ये सबसे छोटी वीडियो है अपने चैनल की, क्योंकि आज मेरे को फिर कहीं मतलब मेरे को एक काम है, मेरे को फिर वो करना है। तो अभी तो हम चलो, सबसे पहले तो मैं ओके करो, और ये देखो भाई ये फिर मेरे को 6th, फिर उसके बाद 7th, 8th, 9th और 10th। और 10th पे गाइस सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे को लाफ एले फरारी कार का ब्लूप्रिंट चलेंगे, जिससे वो अनलॉक हो सकती है। तो इस गेम में तो ऐसा ही होता है कि ब्लूप्रिंट इकट्ठे करो और है ना कार्स अनलॉक कर लो। तो मेरे पास अभी ये ऑरेंज कार के मेरे पास कम से कम 10-15 हो चुके हैं, मतलब 10-11 हो चुके हैं, मेरे को 15 चाहिए इसके लिए। तो अब बस अब मज़ा आने वाला है, तो नई रेस स्टार्ट करते हैं, कार लेते हैं और चलो। तो अभी लोड हो रहा है, और इस वाली रेस की रिकमेंडेशन है जीतो रेस को, फर्स्ट प्लेस पे आओ, मतलब थर्ड और सेकंड तो है ही नहीं, सीधे फर्स्ट पे। और गाइस इसमें देखो कितनी ऐसी ख़तरनाक कार्स आई हुई है, काफ़ी सारी तो हमारी जैसी ये से हैं। और सबसे अच्छी कार है मस्टैंग GT, जो ये है ना ये ग्रे कलर की, जिससे आगे हम निकल चुके हैं, वो है सबसे ख़तरनाक कार। तो अभी रेस हो रही है, और भाई ये मेरे से आगे कैसे निकल गया, इसे पीछे करना पड़ेगा। और ये शॉक है हमारी, और ये मैं आगे निकल गया। तो ये रेस भी हम जीत चुके हैं, और बस इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।